खास अपनी मेहरबानी का अच्छा जी। आज प्रेस क्लब में आने की का सबब कराची के डिस्ट्रिक्ट जामाड़ी में 100 सालों से रहने वाली आबादियों को थ्रेट है और इसी वजह से आप लोगों को बताया कि हमारी मदद करें। आज हम पिटिशन दाखिल करके आए हैं सिंध हाईकोर्ट में अब उसके लिए और उम्मीद है कि हमें कानून सारा मिलेंगे, लेकिन आपके दोस्तों से कि हमारा इशू जो आमतौर पे कभी तासुबा कभी मुल्की मफाद और कभी किसी इदारों के मफाद की नजर चढ़ जाते हैं और हमारे लाखों लोग तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को 1947 में बना, लेकिन 47 से पहले की जो आबादियां हैं जो गांव में और लोकल प्रोफेशंस हैं वो सब इंस्टिट्यूट रही हैं और आज इस प्रकार ये कि अब ऑफिस की साइड के जो उधर के मकामी हैं जो है तो आज की तरफ इसकी बुलाई गई। आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का हमारे गाँव में कमेटियां हैं जो हमारे मोहम्मद अली रहमान साहब ₹18,23,000 और मेरा हुक्मत अपने आईन की ज्यादा से तमाम करके मामलाए कानून मामलाए इख्तियार और मामलाए अलग हफ्ते कमाजी का वाई शुरू कर देते हैं। हालांकि के गुणों को दिखाई देने को सिस्टम में बुलकर मंत्रालय होने पर उसको मोहम्मद रखते हैं, लेकिन उसके बालक मेरा हरियाणा जस्टिस अब्दुल वाकर भी 20 जनवरी 2024 को सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड रहे इंप्लीमेंटेशन को पर कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा है। बहुत मेरे पहले के चीफ डिजाइन और इस लेटर पे सब कुछ पर मेरे के माता है इसलिए डायरेक्टर और बहुत चीजें कि 5 फरवरी को हम में इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन उनको बहुत जल्दी है कराची 6,000 एकड़ जमीन समझी जमीन हटाने की कोशिश हो रही है। 8 अप्रैल 2024 को ये नए इंपेरेंस डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर हमारे को लेटर जारी करता है कि 7 दिन के अंदर हमें हमेशा जमीन रिपोर्ट भेज जाए तो समझ के किनारे की मात्र और तरीके पर जो बड़ी कॉमन 3 साल इसके बाद जो नक्शा हमारे यहाँ पर आता है उससे एक बात तैयार होती है नक्शे के रूप में ये जमीन बेचे को लॉक कर दी जिला कैमाड़ी काम मणिपुर के बे अलावल बे बुंदियारी और बे छतारा दिखाए 45 से ज्यादा गाँव कई गाँव मन करमती मास्केरी ग्रोइंग गार्डन के हजारों राज्य लोग अपने अभाव जमीन से विदा कर गए जिनकी रोटी रोटी समंदर के साथ जुड़ी हुई है। 7 साल हो जाएंगे सुविधा के नाम पर गरीब लोगों से जमीन छीन कर उमरा को ये जमीन दी जा रही है और काम उसमें मंजूर देंगे
उम्र के सामने है उनको तमाम भूमिका दी है पार्टी यानी उसका राजनीति पर दो तिहाई राजनीति मैं तो ब्रिटिश के कंट्रोल में हाल ही में सिर्फ हजारों की तरफ ट्रेडिंग बेली राजनीति को शुद्धा और मातृत्व के नाम पर हथियार लिया गया है। हाँ अब ये से कि ताजा इकान मकसद शुद्धा और मुसलमान पांच के इकान कला खाने को रही फराम करने के नाम पर सदियों से रहने वाले मकामी आवाजों को बेदखल करना है और उनकी जमीन को हथियाना है। जवाब बनाकर कराची समिति पर कब्जा किया हुआ है। ये से लेकिन मस्जिद जाए के सिर्फ छेड़ता के क्या भी हिसाब कराची में हाउस ऑफ इंस्टीट्यूशन सिर्फ छेड़ता है। अब सबसे बड़ी दुमाया राज इसकी कमर्शियल बन गई है। अथॉरिटी की वेबसाइट पर फराम करता मालूम मुताबिक पाकिस्तान डिफेंस हाउस ऑफ अथॉरिटी पर 11,746 छुपकर धंधा चलाया जा रहा है। शुदा का नाम इस्तेमाल करके उनके नाम पर पैसा बनाया जा रहा है। आप उनकी इज्जत ना करें, हम शुदा की इज्जत करेंगे। उन्होंने कहा कि ताज निकालेंगे शुदा के नाम पर, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि ये सारे बार आए के साथ समंदर की सारी पट्टी पर सबसे पहले मायरी मेडक्टर खाना और कहा है जो बारह सदियों से आबाद है सभी इलाकों पंजाब पंजाब को तमाम बुनियादी सहूलियात मालकान और रोजगार फराहम करने के बजाय उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। हाउस बिल 6,000 किसी को देने का कोई जवाब नहीं है। हम समझते हैं कि 2008 से पीपुल्स पार्टी किसी हुकूमत ऐसे ही खिदमत पेश करने के बदले में इनाम नहीं की जा रही है। पार्टी एक कौमी कानूनी पार्टी है जो गरीब आवाम के मफादात को सबसे मुकदम रखती है। ये एक और हुकूमत की इसकी वजह से जिला प्रावरी टाउन माणिकपुर देखे हजारों गरीब लोगों की मुद्दा मददगार कर दिया गया है। इन लोगों के मदसी ने सबसे पहले मकान पीपुल्स पार्टी के नाम लिया मुकदसों नुमाइंदों से आकर आपने की कोशिश की राज्य को छोड़ के
और एक ज्यादा स्टूडेंट पार्टी हर अवर बच्चे का किरदार अदा करेंगे। हम आप साथ में अदा से दरखास्त करते हैं हमारे मुद्दे का दाल बचाए हमारे पास पहुंचाए ना होंगे राय से इंसाफ कर सके। हम आप साथ में लोगों से ड्यूटी करते हैं कि आज के बनाए संज्ञान देते हुए खुदा से ना होकर खुद जाकर वहाँ आबाद हजारों लोगों की तकलीफ और परेशानियों को कहीं से देखे असर हटाए मंजर पर लाए सदियों से आबाद लोगों को इस मुल्क का शहरी को समझाया नहीं जाता वो आज तक राज्य के शहरी होते हुए भी अस्पताल बिजली बुनियादी सहूलतों से महरूम है और खुद को इस सहूलियात को मुहैया करने के बजाय उन्हें अपने घरों और रोजगार से भी महरूम किया जा रहा है वो भी खुदा के नाम का इस्तेमाल कर खुदा के अलावा वो उसके नाम को हम इंसानों को सारी तरीकों और सिविल सोसाइटी से भी उम्मीद करते हैं कि वो भगवान के सामने स्थित हो जाएंगे गरीब इंसानों के बुनियादी इंसानी हकूक के तहत खातर अपने हिस्से का किरदार इंसाफ ईमानदारी से अदा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे रिफाइदारों को भी एहसास हो जाए ऐसे इकदाम से उनकी साफ और मकान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है ये से कराच को मकान लोगों की जमीन अच्छा कैसे होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा और काम काम अब तक जरा पाइस जाज नहीं हमने फैसला किया है कि पहली बार में मीटिंग हर उस बुल 10 जुलाई 2024 को अपनी सरजमीन से इंसान तौर पर बेदखल करने वाले लोगों को मिलकर रास्ता होने की इत्यादि तहरीक चलाई। भगवानी आप लोगों की और तफसीलात को जान नहीं है लेकिन कहीं से खुदा इसलिए है इसी मुसीबत ये इस इलाके के ज्यादा होटल्स वंदा हुक्म जमात मास्टर की कुछ पार्टी के रहे हैं जिसकी उम्र 16 साल से है और दुल के ऐसे को उन साल होने को पहुंच जाता है 3 बयाने से ज्यादा है अगर वो बच्चा की तो उनको मुस्तकिल राशि समझने की और दो तक की जो जमीनें हैं वो भी 7-5 मिलता है और उनको ओनरशिप भी मिलता लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमारे आज भी एक जो बात है पाकिस्तान जो 47 से पहले इनकी जमीनें जो मकानी राशि है इनके नाम पे जो गंभीर डॉक्टर्स आम छे है उनको मुस्तकनी उनको लाजमी है इनके पास अपना दही आबादी का अभी मजार है और यूटिलाइजेशन भी है और कमिश्नर के थ्रू अगर पैसे भी कॉल करके जो मकानी लोग हैं सारी जमीनें उनके नाम भी हैं और साथ में काम भी शुरू किया है तो ये हमारी गुजारिश है तो आप लोगों को बुलाया उम्मीद रहते हैं आप हमारे साथ आगे तक लेकिन शुरुआत तो जो मुतासरी है हम उनका साथ दिए शुक्र है उनके देश पे होंगे लेकिन कानूनी और मोबिलाइजेशन और पार्टी और सिविल सोसाइटी तक भी हम अप्रोच करेंगे दूसरी पार्टियों को भी हम इसमें शामिल करेंगे इंशाल्लाह सबसे रब्ता करेंगे जो जो इनकी इनकी उनको मुस्तकिल जमीन दिलाने के लिए रेलवे के थ्रू और कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू इनके मुस्तकिल करने के लिए जो जो भी सपोर्ट करेंगे राशि की जो भी पार्टी को बिछा रहे हैं और हम उन सबको बुलाएंगे उनको मेहनत करेंगे इसके बाद साथ में इंशाल्लाह ये बड़ा आवामी मामला है जो
जिसपे ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन से फ्लैग की और पॉलिटिकल पार्टी साथ दी अपने का बताया कि घर के सामने का है लगभग कितने बेस कितने और उनका जो सारी गवर्नमेंट है उन्हें शुरू किया है
तो प्रेजेंट मिनिस्टर तो हमने लेकिन इनका अभी तक माल करना हर 100 सालों के अभी तक नहीं किया जा रहा। मुझे लगता है कि इंटेंशन है केंद्र भाजपा का हुक्मरान जो बैठे हुए हैं उनका पहले 1200 एकड़ जमीन थी सांगली शहर के वक्त में बेनसीब बस्ती के नाम से, वो भी इनकी जमीन अगर नहीं है। अब उससे आगे जा रहे हैं फिर पीएचए के विद्यार्थी उससे आगे जाएंगे तो मौजूदा हुक्मरान जमात के मुख्तलिफ लोग हैं जिनके बच्चे उधर घूम रहे हैं, एक हिस्सा पीएचए को देख के बाद सारा हमारा है तो उनकी किस्मत पर रुकने के लिए हर इदारे कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम के हल पर हजारों लोग मुतासर हो रहे हैं, हम उनकी बिजनेस में भेजवा
उन्होंने गैप किया है हमारे पास,
हमने सारा जो केस है वो इस व्याप्त किया है कि इस प्रोसेस को रोका जाए और अपने हम इससे बचा सके हैं। तो पॉलिटिकली हमने इसके लिए स्टार्ट कर दी थी, लोगों ने एहतियात किया, एसीपी से रब्ता किया, मुझे मुझसे हमारे जमीन पर सेक्रेटरी ने उसने उनसे भेंट की, फिर उसके बाद मैं मरकजी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर वहां आपको लीक किया बताए तो इन लोगों की आवाज आप तक पहुंची। लेकिन हमने कानून की और अदालती और साथ ही सियासी जबर के दोनों रास्ते अपनाए कि इस प्रोसेस को रोका जाए, क्योंकि एक बार तबादल अगर सीएम ने दे दिया तो फिर उसको रिवर्स करना इतना ही मुश्किल हो जाएगा जैसे आईएमएस का था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीक्रेटली एनओसी दे दिए, हमने सही चला के सीक्रेटरी करने के लिए वो एनओसी भी वापस किए और हम उसको अभी इसी बात को रोक रहे हैं। कैंटोनमेंट अभी आप सजेक्ट नहीं करें इनके लिए कोई उत्पादन बंदोबस्त किया गया है, ये से घुमरा करने के लिए की कोई बात हम लोग की कमर्शियल प्रोजेक्ट है और उसको समंदर सिर्फ का डिवीजन का समंदर की बची कुची जो लाते हैं उनसे जो प्रचार किया जा रहा है या ये जो सुधा के नाम पे वो भी हमारा ये कहा कि जो सिंधु कुमार और संस्कृत पार्टी जो थी वो और बहरा गाँव का बता करके मुख्तलिफ लोगों के ऑपरेशन करके उनके गाँव खाली कर रहा था। जो लोग घरों के तामीरात के लिए गली की अपनी जमीन दे रहे थे वो बेच रहे थे, जिसकी जमीन दे रहे थे उनके जबर कर रहे थे, तो हमारे पीड़ा से जबर बंद हुआ वो कामयाब रहेगी। दूसरा उसके बाद भी लोगों ने जमीन बेची है लेकिन 10 गुना ज्यादा पे हम नहीं चाहते थे कि वो बेचे, लेकिन उनको 3 लाख कब्जे के मिल रहे थे, उनको 30 लाख मिल रहा है, पूरे को उन्होंने कब्जा देना शुरू कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि हमारे लोगों के जबर करके और ये हुकूमत के इलाके और जो है उनको भेजा की बात कर रहे हैं वो जबर कर रहे थे। आप बताएं कौन सा जबर हुआ, उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ जो आपने मीडिया ने रिपोर्ट किया हो, मेरा नंबर 1 उसके आसपास के गाँव के लोग थोड़े ज्यादा अभी तक रात में हैं वो कहते हैं कि अभी हमारे पास कोई अच्छा रुपया नहीं, लेकिन प्रोग्रेस जमीन बेचना कोई देना ये कोई अलग बात है।
तो अब बात कर रहे हैं तो क्योंकि ये इशू है हम डेवलपमेंट हाउसिंग जो बनाना इसके ब्लॉक में है लेकिन एक को मसवा करके लैंड प्लस चली गई चीजें खाली पड़ी हुई है वहां जाए इन लोगों को बता सके उनको उठा लो और बड़ा ऑपरेशन करके उसको बुलाते हैं इसकी हम बात करते हैं मामला ये है कि 47 के बाद हिंदुस्तान से आए हुए क्लेमेंट को भी जमीन मिली लेकिन ये अंग्रेजों के दौर के से भी पहले के बारे के लोग हैं इनको छह पाउंड एक सात पाउंड मान कराना उससे पहले के अब